हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निसार एंड वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा टीम। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर राइटिंग होता क्या है, लेटर राइटिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लेटर राइटिंग के फॉर्मेट कैसे तैयार किए जाते हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जब मोबाइल फोन वगैरह नहीं था तो लोगों को जब अपना संदेश भेजना होता था तो लोग चिट्ठी पत्र या खत का यूज किया करते थे। तो ये जो चिट्ठी पत्र या खत है यही है लेटर। और जो लेटर की हम बात तो लेटर जो होता है वो एक तरह का संदेश होता है, एक मैसेज होता है जो कि रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में होता है जिसे हम लोगों को भेजा करते हैं या भेजते हैं। तो यही होता है लेटर। लेटर के टाइप्स की यदि हम बात करें तो लेटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, दोनों के जो फॉर्मेट होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम कुछ कुछ वर्ड्स का यूज़ फॉर्मल लेटर में करते हैं तो कुछ अलग वर्ड्स हम इनफॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं। जैसे इसमें डियर सर, डियर मैम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम का यूज़ करते हैं। इसमें हम डियर उसके बाद सीधा नाम लिख देते हैं, जैसे डियर कान्हा, डियर मनोज, ऐसे ही। जो फॉर्मल लेटर होता है वो प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है, बिजनेस पर्पज से यूज़ किया जाता है या गवर्नमेंट ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है। और इनफॉर्मल जो लेटर है वो पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है। इट मीन्स जैसे कि हमें अपने दोस्त को भेजना हो, अपने रिश्तेदारों को भेजना हो, तब हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लेटर का। जबकि फॉर्मल लेटर को हम बैंक है या ऑफिस है, बिजनेस पर्पस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो ये तो रही बात फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स की। अब हम देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें सबसे ऊपर में आपको लिखना होता है सेंडर का डिटेल, सेंडर का डिटेल्स यानी सेंडर का एड्रेस। जैसे कि हम सेंडर है यानी हम भेज रहे हैं तो हमारा डिटेल यहाँ पे होगा। उसके बाद हम लिखेंगे डेट, उसके बाद हम लिखेंगे रिसीवर का डिटेल। रिसीवर इट मीन्स हम किनको संदेश भेज रहे हैं, कौन रिसीव करने वाला है इस लेटर को, तो उनका डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, उनका एड्रेस, उनका नाम, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम या सर या डियर सर, डियर मैम, ये होता है सैल्यूटेशन। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी हम किस पर्पज से मैसेज को भेज रहे हैं, किस पर्पज से हम लेटर को लिखे हुए हैं, ये होता है सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी। बॉडी में तीन पार्ट्स रहेंगे यानी कि जो जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम लिखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, मेन कंटेंट एंड समरी, समरी या फिर हम बोल सकते हैं कंक्लूजन। तो ये हो गया थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड बॉडी, इसे हमें लिखना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे कंप्लीमेंट्री क्लोज। अब ये कंप्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, इट मीन्स जैसे कुछ वर्ड्स का हमें यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जैसे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम और कुछ कुछ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे योर्स, फैथफुली, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर फैथफुली की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली। इस तरह के हम जो है वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, योर्स फैथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे फुल नेम, पूरा फुल नेम लिखना है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में फुल नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि फॉर्मल लेटर में हम फुल नेम लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स हम कौन से पद में हैं, जैसे हम किसी ऑफिस में हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो हमारा कुछ तो है, कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन है, तो उस डेजिग्नेशन को हमें लिखना होता है। तो इस तरह से हम जो है फॉर्मल लेटर तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे और किस तरह से हम जो है फॉर्मल लेटर को अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना होगा। तो क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मिनेंस इन योर लोकेलिटी, यू आर राजेश सिन्हा। अब यहाँ पे जैसा जैसा नाम दिया गया है जिनको आपको लेटर लिखना है उनके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखने हैं। और लेटर को आपको हमेशा एक ही पेज में लिखना है, ज़्यादा पेज में, एक से अधिक पेज में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि आपको एक लेटर लिखना है, यानी कि आपका नाम राजेश है, जैसा आपको नाम दिया गया है कि आपका नाम राजेश सिन्हा है और आप जो है
कॉर्पोरेशन यानी आपको कॉर्पोरेशन रायपुर कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको अपने मोहल्ले के बारे में बताना है, एक शिकायत करना है। क्या शिकायत करना है कि आपके मोहल्ले की सफाई नहीं हो पा रही है ठीक से, पुअर कंडीशन है जिसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बीमारियाँ आती जा रही है। तो इस समस्या को लेकर के, इस शिकायत को लेकर के आप एक खत लिख रहे हो रायपुर कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को। तो आपका जो लेटर होगा वो कुछ इस तरह से होगा और लेटर को आपको एक ही पेज में लिखना है, चाहे लेटर रहे, चाहे एप्लीकेशन रहे, चाहे फॉर्मल लेटर रहे, चाहे इनफॉर्मल लेटर रहे, जो भी रहे, आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो सिर्फ एक ही पेज में लिखेंगे, क्योंकि रूल होता है कि फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन या इनफॉर्मल लेटर सभी को एक ही पेज में लिखना चाहिए। तो देखिए सबसे ऊपर में हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेंडर का डिटेल, यानी हम यदि सेंड कर रहे हैं तो ये हमारा डिटेल है जिसमें आपका क्या है, मकान नंबर हो गया, उसके बाद जो नगर है जहाँ पे आप रह रहे हो, जो जिस बिल्डिंग में रह रहे हो या प्लॉट में रह रहे हो उसका नाम यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आपका एरिया कौन सा है उसको लिखेंगे, फिर आप अपना जो भी सिटी है, विलेज है, टाउन है उसे लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेट लिखा हुआ है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी मंथ को हम पहले लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं डेट को यानी दिन को, उसके बाद हम लिख सकते हैं ईयर को, ठीक है। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने लिखा जो रिसीवर है, रिसीवर का एड्रेस हम किनको लिख रहे हैं, इनको लिख रहे हैं द कमिश्नर रायपुर कॉर्पोरेशन गांधी चौक रायपुर, यहां तक। आप चाहें तो यहां पे आप पिन नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मिनेस इन रामनगर, तो जहाँ पे जो समस्या है उस समस्या को लेकर के या जिस वजह से हमने ये लेटर लिख रहे हैं, जिस वजह से हम लेटर लिख रहे हैं वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर यहाँ पे हमने लिखा सर, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, इसे हम देखेंगे। तो बॉडी लिखने के बाद फिर हम लास्ट में लिखेंगे योर्स फैथफुली एंड राजेश सिन्हा फुल नेम, यदि आप किसी डेजिग्नेशन में हो तो आप अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, उस पद का नाम आप नीचे में लिख सकते हो। तो अब बॉडी को एक बार देख लेते हैं, बॉडी में 3 चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड समरी। तो जो कि इस तरह से होगा, रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मिनेस इन आवर लोकेलिटी, आई एम वेरी सॉरी to say that Raipur Corporation is failed to maintain the sanitary condition towards certain colonies. It is failed to provide the civic amenities to the non-VIP areas like Ramnagar and nearby areas. तो इसमें हमने बताया है introduction की क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या चीज़ें हुई है, कौन ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे main point. The welfare association of this colony has been highlighting the local issues towards Raipur corporation time to time, but all in vain. It is seen that heaps of dirt keep lying on the road, the drains are open and the water overflows with garbage and dirt. Also the residents of Ramnagar are not getting the pure drinking water, hence they become easy victims of waterborne disease. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मेन जो कंटेंट है, मेन जो चीज़ें हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन पॉइंट हम किस चीज़ को बता रहे हैं, क्या क्या समस्या आ रही है, बीमारियाँ आ रही है, पानी की समस्या है, ये है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो शुरू में हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पे फिर हमने मेन जो टॉपिक है, मेन कंटेंट है, उसे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन या फिर समरी। तो यहाँ पे हम समरी बता रहे हैं, द डिसीज रिलेटेड टू मॉस्किटो बाइट विल स्प्रेड सून, टू स्प्रे insecticides or DDT over the stagnant water is very essential, but steps are not being taken. Every year, hundreds of residents suffer from malaria. I hope that now Raipur Corporation will check this problem very soon. और यहाँ पे हमने लिखा है कंक्लूजन या फिर समरी, उस चीज़ों को हमने शॉर्ट में बता दिया है कि ऐसी समस्या है और आशा करते हैं कि आप जो है इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देंगे। इस तरह से आप जो है 3 पार्ट्स में बॉडी को लिख सकते हैं। अब इस बॉडी को लिखने के बाद आप जो चीज़ें हैं उसे लिखेंगे लास्ट में, योर्स फैथफुली राजेश सिन्हा, इस तरह से।
तो इस तरह से हम फॉर्मल लेटर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ इसमें इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप याद रखिए कि आपको कैसे और किस पैटर्न में लिखने हैं, क्या समस्या है, किस चीज़ को लेकर के आप लिख रहे हो, उसे आपको ध्यान में रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। अब हम देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर का जो तौर तरीका होता है वो कैसा होता है, इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल का जो फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, वो कुछ इस तरह से होता है जिसमें सबसे शुरू में आपका होता है सेंडर का एड्रेस, यानी जो सेंडर है, जो भेजने वाले हैं उनका एड्रेस। और इनफॉर्मल लेटर में आप चाहे तो एक लाइन छोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो एक लाइन आप गैप करिए, उसके बाद लिखिए डेट, उसके बाद डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन आप गैप करिए ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, उसके बाद फिर आप लिखिए ग्रीटिंग या फिर सैल्यूटेशन। अब इसमें जो ग्रीटिंग है, सैल्यूटेशन है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें जैसे उसमें हम रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम का यूज़ करते थे, इसमें आपको क्या लिखना है, डियर फ्रेंड, डियर मनोज, डियर कान्हा, ऐसे वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे डियर, या फिर डियर की जगह पर आप लवली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का आपको यूज़ करना है, रिस्पेक्टेड वर्ड या सर, मैडम या मैम, ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, अब उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की जो बॉडी, हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के कहना चाह रहे हैं, किसी खेल को लेकर के, किसी इनविटेशन को लेकर के, या फिर मिलने को लेकर के, या फिर पिकनिक को लेकर के, क्या है हमारा सब जो चीज़ें हैं उसे हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। उसमें इसमें सब्जेक्ट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जो सब्जेक्ट वाला पार्ट्स है वो इसमें ही आ जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर में, ठीक है, अलग से सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करेंगे, तो उसमें जैसे हम लिखे थे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, योर फैथफुली, योर सिंसरली, इसमें हम जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे उसमें थोड़ा अलग रहेगा। जैसे इसमें लिखेंगे जैसे योर लवली फ्रेंड, योर अफेक्शनेटली फ्रेंड, इस तरह से टेक केयर, रिगार्ड्स, इस तरह से बेस्ट विशेज, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सिग्नेचर, या सिग्नेचर की जगह पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, और इसमें पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इनफॉर्मल लेटर को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको यही जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कैसे लिखेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, राइट अ लेटर to your friend Kavita requesting him to spend the summer holidays with you. यहाँ पे आपकी कोई friend है कविता, और उसको आपको एक letter लिखना है, एक informal letter लिखना है, जिसमें आप summer holidays को मनाने के लिए आप उनको invite कर रहे हैं कि वो आपके यहाँ आए और summer holiday को आपके साथ बहुत अच्छे से enjoy करें, अच्छे से मनाएं। तो इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा, इसका कंप्लीट लेटर हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सेंडर का एड्रेस, उसके बाद हमने लिखा है डेट, उसके बाद फिर हमने डियर, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम का हमने यूज़ किया है, डियर कविता, आगे हमने नहीं लिखा है, उसके बाद हमने इसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, उसके बाद हमने लिखा है बॉडी, बॉडी बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में आपको अच्छे से बताना है कि क्या पॉइंट है, क्या चीज़ है, किस चीज़ को लेकर के आपको भेजना है। तो यहाँ पे देखिए आई एम हैप्पी हियर एंड होप द सेम फॉर यू, आई एम श्योर दैट यू हैव डन योर एग्जाम्स वेल, माई एग्जाम्स आर ऑल्सो ओवर। इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मेन पॉइंट क्या है, इन्विटेशन, कि हम इन्वाइट कर रहे हैं उसको हॉलीडे के लिए। I invite you to come to Bemitra and spend the vacations here so that we can enjoy together and wander so many places. It is a small place and you will take the life here. यहाँ पे हमने मेन पॉइंट को बता दिया कि ऐसे ऐसी बात है कि आओ तुम हमारे बेमेतरा में, काफ़ी इंजॉय करते हैं, बढ़िया जगह है, भले छोटी जगह है लेकिन अच्छी जगह, ऐसा हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट को बताएंगे, हम इन्विटेशन इन्वाइट कर रहे हैं ना हॉलीडे के लिए, तो यहाँ पे हमने वहाँ ये चीज़ें लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मेन जो चीज़ है समरी या कंक्लूजन, तो यहाँ पे लिखेंगे होप दैट यू विल डेफिनेटली कम, प्लीज़ टू डू रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर यू, इस तरह से हम जो है लिखेंगे। उसके बाद योर लविंग फ्रेंड कविता, इस तरह से हमने लिख लिया, योर लविंग फ्रेंड, योर अफेक्शनेटली फ्रेंड, योर डियर फ्रेंड, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, तैयार करना है लेटर को, चाहे फॉर्मल लेटर आए, चाहे इनफॉर्मल लेटर आए, कोई भी लेटर आए, आपको फॉर्मेट को याद करना है और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, और
मेन जो चीज है वो है बॉडी। बॉडी को आपको कैसे और किस तरह से लिखना है। बॉडी में आपको बहुत ज्यादा खतरनाक लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। टेंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, जो भी चीजें आप कहना चाह रहे हो, जो भी टॉपिक में आप कहना चाह रहे हो, टॉपिक सेट करके नहीं लिखना है। आई होप कि आपको लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट काफी अच्छे से समझ आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।